हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, साहेबपुर कांति डैम है वो रावी रिवर्स पे, सॉरी सतलज रिवर्स पे बनाया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रिवर उज है वो रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो देखो, ये आपको न्यूज के हम कंटेक्स्ट की थोड़ा बात करें कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, रीजन क्या है इसके। तो उसका रीजन ये है कि अभी आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रिटी को लेके काफ़ी सारे मतलब ऐसे मतभेद आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं सामने कि इसको कैंसिल कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को एक सबक वगैरह सिखाया जा सके। तो उस दौरान काफ़ी न्यूज़ में, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसा देखो, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो 6 रिवर हैं इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी, जिसमें से इंडस हुआ, चेनाब हुआ और झेलम, ये तो पाकिस्तान को दे दी गई थी जो 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति थे उस टाइम पे अयूब खान, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है वो हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। इसके साथ ही रावी, व्यास और सतलज रिवर का पानी है वो इंडिया को दे देगा कि आप इस पानी का यूटिलाइज है वो कीजिए। और अभी जो डैम बनाने की बात की जा रही है वो बन रहा है रावी रिवर पे, जिसका नाम है साहपुर कांति डैम। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सही स्टेटमेंट ये होगा कि रावी रिवर के ऊपर साहपुर कांति डैम बनाया जा रहा है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो उज रिवर है वो एक्चुअली रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उज प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में इरीगेशन की सुविधा को प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि उज रिवर है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है, और जो उज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है ताकि इरीगेशन की और जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जा सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आसाम राइफल को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो आसाम राइफल है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है एक, जो कि हमारे देश में इंसर्जेंसी फोर्स है, उसके तौर पे काम करती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि आसाम राइफल है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के बॉर्डर वाले एरिया में, जैसे आसाम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ और मिजोरम जैसे एरिया में, मतलब बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्चिंग की जा सकती है और जो भी आरोपी है, जो भी उनको लगता है उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब आप देखिए एक बार दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो साफ साफ गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इसने स्टेटमेंट में दिया है नॉर्थ वेस्ट, आप ढंग से देखना, बस यही गलती एक्चुअली एग्जाम में हम जल्दबाजी में कर देते हैं। ये कह रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये कन्फ्यूजन काफ़ी बड़ा हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत यहाँ पे हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने इसको पावर कर रखा है कि भी आप बिना किसी वारंट के आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के एरिया में सर्च है वो वारंट कर सकते हो। बट इसके लिए देखो कुछ लिमिटेड उनको परमिशन दी जाती है, मतलब कि सारे जिलों में नहीं होता है, गवर्नमेंट उनको पहले परमिशन देती है एस फैक्ट के तहत, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में फैक्ट है वो रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है ड्रोन ओलंपिक्स को लेकर। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि इट वॉज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो 2019। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है कि इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है वो अभी हम देखते हैं। क्योंकि जो एरो इंडिया 2019 हुआ था ना, उसके तहत उसी को एक्चुअली यहाँ पे मतलब ड्रोन ओलंपिक का दर्जा दिया गया, ना कि इंटरनेशनल को, तो मतलब ये देख दो फिर ध्यान में रखना है। ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा बेंगलुरु में अभी इसका आयोजन है वो किया गया है। तो ये हमने न्यूज की फॉर्म में भी पहले डिस्कस है वो किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर। यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन ऐसे 2015 के आसपास पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI है वो जॉइंटली सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें देखो उसने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना आपने। आई होप इसका आंसर है वो सोच लिया होगा। देखो यहाँ दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है,
काफी इंपॉर्टेंट यह बॉडी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसी बहुत कम ही गिनी चुनी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सरकार और एक तरह से प्राइवेट जो स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा मिलकर एक ऐसी बॉडी बनाई गई है, तो इसी लिमिटेड बॉडियां ही होती हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उनमें से एक है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे देश में जो क्वालिटी है इसको इंश्योर करने का काम है वो मेनली इसके द्वारा किया जाता है। जो आती है मेनली कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, जिसे पहले हम DIPP डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसी का नाम आपको पता है चेंज कर दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये फैक्ट ध्यान रखें, इसमें इसने हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट का मतलब ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर ए और बी। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी इसलिए पूछते क्योंकि अपने आप में अलग होते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। आप ये बताइए कि जम्मू को जो श्रीनगर है उससे कौन सा हाईवे वो कनेक्ट है वो करता है, ये बताइए आप जम्मू से श्रीनगर से कौन सा नेशनल हाईवे वो कनेक्ट करता है। यूपीएससी इस तरीके की देखो क्वेश्चन काफी बार पूछती है, क्योंकि देखो इस बार काफी न्यूज में रहा है वो, अभी आपको पता है वहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि NS-44A है, NS-40A है, NS-1A है वगैरह जो भी है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जो जो देखो न्यूज़ में रहते हैं ना नेशनल हाईवे जो इंपॉर्टेंट है, देखो स्पेशली जो बॉर्डर वाले एरिया में जहाँ न्यूज़ वगैरह रहती है, जैसे डोकलाम वाले के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, उसके नियर रिस्ट अपना कौन सा नेशनल हाईवे वगैरह है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके यूपीएससी काफ़ी तरीके से हो सकते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेगी कि आप जम्मू से लेकर कश्मीर की यात्रा कर रहे हो, बीच में आपको कौन सा नेशनल हाईवे से होकर जाना पड़ेगा, या फिर और डायरेक्टली पूछ सकती है कि जम्मू और श्रीनगर को कौन सा नेशनल हाईवे वो कनेक्ट करता है, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और जो जो न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखो काफी सारे नेशनल हाईवे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे हम रटने बैठेंगे, नहीं नहीं जो न्यूज में है काफी इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत जरूरी है वो हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे देखा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देखो जो इंडियन इंडस्ट्री के जो मेन मेन आपको बताऊं, जैसे इंडियन इंडस्ट्री ने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे एक तो फिक्की भी उनमें से ही है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ ही हमने काफी सारे और पर CIA के बारे में डिस्कस भी किया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इन्हें इसके साथ एसोचम के बारे में डिस्कस किया हमने बहुत बार, कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है एसोचम, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉरपोरेट एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं इनके ग्रुप है, उन्होंने अपना एक छोटा छोटा ग्रुप बना रखा है, जिस तरीके से देखो जो वर्कर्स हैं वो अपनी एक कम्युनिटी अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं कंपनीज में, उसी तरीके से जो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं, ताकि वो कुछ भी इश्यूज हो तो वो गवर्नमेंट के साथ मतलब आपस में डिस्कस वगैरह उसके थ्रू कर सकें। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्टेक, आप प्राइवेट बोल सकते हो, गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेक होल्डर हैं उन सबके द्वारा मिला के बनेगी है, इंडस्ट्री गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंडस्ट्री प्राइवेट भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आज का वो आया है यहाँ पे मेगसेल प्लूटो के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि देखो वर्ल्ड की यह सबसे बड़ी मधुमक्खी है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो अभी वापस से रीडिस्कवर की गई है इंडोनेशिया के दूर दराज के रिमोट एरिया में, यह है कंटेक्स्ट। तो एक तो यही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी मधुमक्खी है वो कहाँ पाई जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडोनेशिया में दूर दराज की रिमोट एरिया में मेनली पाई जाती है, उसका नाम यहाँ पे देखो दिया गया है वालेस गेंड बी। तो ये देखो नाम से आपको पता चला कि सबसे बड़ी मधुमक्खी है, इसका मतलब कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इसका नाम एक्चुअली 19वीं सेंचुरी में जो वहाँ के नेचुरलिस्ट थे अल्फ्रेड रसल वॉलेस उनके नाम पे है वो रखा गया है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई किसके नाम वहाँ पे रखा गया है। IUCN में वल्नरेबल लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि IUCN में इसकी जो हालत है वो वल्नरेबल में। इसके साथ इसको फ्लाइंग बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकते हैं कि फ्लाइंग बुलडॉग, तो ध्यान रखना है फ्लाइंग बुलडॉग इसको कहते हैं जो सबसे बड़ी मधुमक्खी है मेगसेल प्लूटो, उसको इस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है पाई कहाँ जाती है, इंडोनेशिया में, बस इतना ही इसमें फैक्ट है वो याद रखने लायक। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस को लेके। देखो जो हेपेटाइटिस डिजीज होती है इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं ABCDE इस तरीके से, तो उनमें सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, और इसी से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था हेपेटाइटिस बी के लिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और उसमें इसका वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यूपीएससी देखो एक तो ऐसे बोलते हैं एग्जाम में कि हेपेटाइटिस सी है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, नहीं भाई, हेपेटाइटिस बी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ना कि हेपेटाइटिस सी को। तो यूपीएससी क्या है, देखो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन नया स्टेटमेंट है वो पूछती है, तो वहाँ पे मिस्टेक है वो कर सकते हैं। अब जो नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस का चलाया गया है वो इसलिए चलाया गया है
कि हमारे देश में जो हेपेटाइटिस के डिजीज जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, इनको हम कम कर सकें और 2030 तक हम एक तरीके से कम्प्लीटली हेपेटाइटिस सी को ख़त्म है हमारे देश से एलिमिनेट है वो कर सकें। इसके साथ ही सिग्निफिकेंट तरीके से जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनके इफेक्ट हैं या फिर इसके जो आप बोल सकते हो केसेस बढ़ रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे वो रिड्यूस कर सकें। इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ओबियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। बस ये देख लेना कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है, ना कि हेपेटाइटिस सी को। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नॉर्मली वो कई बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है फ्लेमिंगो काउंट को लेके। देखो जो हमारे देश में जो फ्लेमिंगो जाते हैं उनको काउंट करने के लिए प्रोग्राम है वो अभी चलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चलाया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, BNHS के द्वारा, और इसमें काफ़ी सारे NGO हैं और भी जो स्टेक होल्डर हैं, बर्ड वॉचर्स, वो सब मिलकर काम है वो करेंगे। आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो एक तरीके से पक्षियों के लिए सोसाइटी, हम एक तरीके से बोले कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है। और ये क्या करेगा, हमारे देश में जो फ्लेमिंगो की स्पीसीज पाई जाती हैं उनको एक्चुअली उनकी संख्या को काउंट है वो किया जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 8 तरह की फ्लेमिंगो की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें 4 तो पाई जाती हैं अफ्रीका में, 4 पाई जाती हैं एशिया में। और जो एशिया में 4 पाई जाती हैं ना, उनमें से 2 हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कौन सी इंडिया में 2? एक तो है ग्रेटर फ्लेमिंगो और एक है लेसर फ्लेमिंगो। तो ये आपको ध्यान में रखना, इंडिया में 2 तरह के फ्लेमिंगो पाए जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में से 2 स्पीसीज हैं यहाँ पे। अब बाकी देखो इतना जरूरी नहीं है कि पिंक कलर का है, टांगे कैसी है वगैरह वगैरह, ये तो आप रहने देना। बस ये पता होना चाहिए कि कैसे फ्लेमिंगो है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इनका जो माइग्रेशन है वो विंटर टाइम में एक्चुअली साउथ इंडिया की तरफ हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म सर्दियों में नहीं रहते, इसलिए ये नॉर्मल जो अच्छा मौसम होता है उष्णकटिबंधीय एरिया हम बोल सकते हैं या फिर ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साउथ इंडिया में विंटर्स में माइग्रेट है वो करते हैं। यूपीएससी देखो एक बार ऐसे पूछ लेती है कि ये एक्चुअली सर्दियों के टाइम पे साउथ इंडिया से इंडिया की तरफ, जो नॉर्थ इंडिया की तरफ माइग्रेट वगैरह करते हैं। तो ऐसे देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि आजकल काफी बार काफी बारीकली या डीपली सी क्वेश्चन से यूपीएससी पूछने लग गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम को लेकर। देखो वैसे तो ये जो प्रोग्राम है 2-3 दिन से न्यूज में चल रहा है, बट आज इसको हम यहाँ पे कवर है वो कर लेते हैं। कंटेक्स्ट यह है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है ना, उसने अभी प्रोग्राम चलाया है सुपर एफिशिएंट एयर कूलिंग एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन मोटो ये रखा गया है कि जो BSES वाला एरिया है उसमें ऐसी है या ऐसे एयर कंडीशन प्रोवाइड कराए जाएं इसके जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी को कंजप है वो करें, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत वो करें और अच्छी उनकी एफिशिएंसी हो। मतलब आप एक तरह से बोलते हो कि कम पावर में अच्छा वो रिजल्ट है वो देंगे, इसलिए जैसे आपको पता है 3-स्टार 4-स्टार जो 5-स्टार रेंज AC आती हैं उनके आधार पर ही। तो ये 60% कम एनर्जी है वो यूज, सॉरी 40% है वो कम एनर्जी यूज करेंगी, और जो आज के टाइम पर जो 3-स्टार रेटिंग आती है करेंटली मार्केट में उनके मुताबिक काफ़ी अच्छा काम है वो करने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट तो हो गया जी। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चलाया जाएगा, बट अभी ये BSES एरिया में स्टार्ट है वो किया गया, दिल्ली का जो BSES एरिया है मेनली वहाँ पे। इसके बाद अब देखो ये तो हो गया कंटेक्स्ट, बट कंटेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इसको फंड कौन कर रहा है। देखो ये फंड किया जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो इसको फंड है वो कर रही है। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ वो भी, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP है वो भी इसको टेक्निकल असिस्टेंस है वो देने वाली है, और एक तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसको पैसे या ग्रांट है वो देने वाला है। तो यह ध्यान में रखना है कौन टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, कौन इसको फंड प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सारे फैक्ट, 3-4 फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, हम इसके बारे में देखते हैं। देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यह एक फंड है, यह आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये फंड बनाया गया था 1992 जब रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। रियो समिट कहाँ पे हुआ था ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि रियो समिट है वो हुआ कहाँ पे था। और उस रियो समिट का मोटो क्या था कि भाई इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है उनसे निपटना है, और उसके लिए देखो अब इन्वायरमेंट की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनसे निपटना है तो हमें पैसे चाहिए। उन पैसों प्रोवाइड करवाने के लिए ही ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है वो बनाया गया था, और ये मेनली 5 चीज़ों को फंड है वो करता है। तो ये पाँचों के पाँचों आप अंगुलियों पर रट लेना, याद कर लेना। पहली तो है CBD, तो CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके लिए फंड प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC इसके लिए फंड प्रोवाइड कराता है। इसके साथ UNCCD, यूनाइटेड नेशन का जो CCD है ना जो कि कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए काम करता है उसके लिए फंड प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि पेस्टिसाइड जो
ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं उनसे निपटने के लिए काम करती है, उसको फंड देता है। और इसी के साथ ही मीनामाटा कन्वेंशन देखो अभी हाल ही में एक्टिव है, वो की गई थी लास्ट ईयर, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, वो है मरकरी के लिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाँचों की पाँचों कन्वेंशन या जो प्रोग्राम है वो है किस लिए। हमने इन्हें इन्वायरमेंट के लेक्चर में डिस्कस भी किया था और एक बार अभी हम वापस इनको एग्जाम से पहले डिस्कस कर लेंगे, इन्वायरमेंट का जो वापस से लेक्चर हम कवर स्टार्ट करने वाले हैं उनमें। तो ये ध्यान में रखना कि पाँचों के लिए जो फंडिंग है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एनर्जी फाइनेंस शेड्यूल लिमिटेड, हाँ ये तो हमने भी कवर है, हाँ सॉरी EESL क्या है। देखो जो EESL के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया, हम देखते हैं कि EESL है क्या। EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया गवर्नमेंट का, जिसका मोटो है कि हमारे देश में जो एनर्जी है ना इसको इफिशियंट तरीके से यूज किया जा सके, इसके लिए स्टेप उठाती है। जिस तरीके से आपको बता हुआ इंडिया में एक प्रोग्राम चलाया गया था स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, जिसमें क्या था कि हमारे देश के जो स्ट्रीट लाइट हैं वो LED में कन्वर्ट की जा रही थी। तो ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया था एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। तो इसी के साथ ही EESL ने और भी अदर कंट्रीज में, जिस तरीके से ब्रिटेन में, इसके साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे भी इंडिया ने जो EESL ये लिमिटेड कंपनी है एक तरीके की, जो कि वहाँ पे अपने कार्यक्रम में स्टार्ट कर रखी है। तो ध्यान रखना गवर्नमेंट का है मेनली। इसमें तीन जो हमारे देश की पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, जिसमें एक तो यहाँ पे हम बात करें NTPC लिमिटेड, इसके साथ ही पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसी के साथ एक और है जिसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक और यहाँ पर सॉरी एक और दी गई है जिसका नाम है पावर ग्रिड। तो इन चारों का मिला के एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया कंपनी के तौर पे, क्योंकि लिमिटेड लगा हुआ ना लास्ट में तो पता चल रहे हैं, और जो कि काम करता है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है EESL, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम, वो भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है चीता री इंट्रोड्यूशन प्रोजेक्ट। कंटेक्स्ट ये है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया है कि भाई जो अफ्रीकन चीता है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, अफ्रीका में से कहाँ से, अफ्रीका की भी नामीबिया जो कंट्री है वहाँ से लाए जाएंगे, और इंडिया में उनको नारोबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे एक तो एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान में रखना है वो कि IUCN है, इन जो आपको बताया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है कि भाई स्पीसीज है उसके मतलब खत्म ना हो जाए आप ट्रेड वगैरह करो, तो उसने भी कोई इस पर चिंता नहीं जताई कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नेचुरल हैबिटेट में आवास वगैरह वापस इनको कंजर्व है वो कर सकते हो। तो देखो हम चीता के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट देखें, जो हमारे देश में चीता की स्पीसीज थी वो लुप्त हो चुकी है। हमारे देश में जो लास्ट चीता था वो देखा गया था 1947 में छत्तीसगढ़ में, इसके बाद में 1952 में गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे देश में चीता वो पूरी तरीके से लुप्त है, वो हो चुका है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वापस चीता को री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, और उसके लिए चीता रिहेबिलिटेशन रिपोर्ट है या प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे ये किया जा रहा है, नरोबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नरोबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो छत्तीसगढ़ में ही है, क्योंकि लास्ट टाइम चीता है वो वहीं पे देखा गया था, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई वही उसका नेचुरल आवाज था तो वहीं पे हम उसको कंजर्व है वो करेंगे। तो अभी इंडिया में जो चीता लाए जाएंगे लगभग 20 के आसपास चीता, वो एक्चुअली अफ्रीका के नामीबिया कंट्री से लाने की बात है वो की जा रही है। और ये ध्यान रखना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में, ये फैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में, उसने भी 260 करोड़ का प्लान है वो स्टार्ट किया है कि भाई जो 6 साल में चीता लाए जाएंगे और इंडिया में उनको इंट्रोड्यूस है वो किया जाएगा। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ और है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को लेके। कंटेक्स्ट ये है, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अगर आप छोटा सा तो देख लेते हैं क्यों छोड़ें इसको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो मेनली 1979 में बनाया गया था, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके द्वारा उनका एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम है वो करता है, जो कि UN के बाद सेकेंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट। UN सबसे बड़ा है, इसके बाद में अगर बात करें सेकेंड लार्जेस्ट की जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये हो गया यहाँ पे। इसका मेनली काम ये है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसकी जो कलेक्टिव आवाज़ है उसको बनाए, मतलब कि उसकी आवाज़ को उठाना, उनके इंटरेस्ट है, उनके सेफ गार्ड है, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो ये इसका मेनली काम है। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए का मेनली काम है वो करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया को पहली बार OIC है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट है वो क्या है, इससे पहले इंडिया को कभी भी इनवाइट है वो नहीं किया गया था, तो ये यहाँ पे अपने आप में एक फैक्ट है वो बन जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, छोटा सा एक फैक्ट था, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये थी वैसे आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।